कल सुबह के उस छोटे से आउटिंग के बाद पता है मैं काफी ज्यादा टायर्ड हो गया था, और क्योंकि मैं रात को सोया भी नहीं था, मैं ऑलमोस्ट कल दोपहर सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक सोया। तो मुझे उसके बाद लगा था कि मेरा स्लीप शेड्यूल ठीक हो जाएगा क्योंकि रात की नींद कंप्लीट हो गई थी सुबह को और रात को बढ़िया सो जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, रात को नींद नहीं आई मुझे और रात को सोते सोते 2:30 बज गए और आज की वीडियो अभी तक रेडी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब ऐसी एक वीडियो का एडिट करते हो उसको एडिट करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे, दो या तीन घंटे मैक्सिमम, लेकिन कल की जो वीडियो आप लोगों ने देखी है उसको एडिट करने में ऑलमोस्ट 7-8 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि ऐसी जो वीडियोज होती है इसके आप रॉ क्लिप्स को लेकर टाइमलाइन पे बिठा दो, उस पर थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कर दो, कुछ टेक्स्ट ऐड कर दो एंड इट्स डन। बट कल की जो वीडियो थी उसमें वॉइस ओवर था, उसमें बहुत सारे बीरोल्स ऐड किए थे मैंने, तो उसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर और प्लानिंग भी थी, जिसके लिए कल की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। अभी 11:30 बज चुके हैं एंड वीडियो अभी तक आई नहीं है क्योंकि उसको एडिट करने में अभी हम बैठेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे पता नहीं आप लोगों ने अभी सुना कि नहीं, बट 3 लगातार बिजली की वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ढक 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 करके गिरी और पूरा मतलब ये जो जमीन था ना ये वाइब्रेट हो गया अचानक से। भाई मैं उठ के देखने लग गया ये क्या हो गया, मैं अभी आप लोग से बात करके बैठा वीडियो बनाने मस्त सनी माहौल होके रखा था, लेकिन कोलकाता का वेदर इस सीजन में अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल। देखो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को टाइम लैप्स नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, बट मैं अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बातें भी कर रहा हूँ तो आप लोगों ने अनजाने में पूरा टाइम लैप्स ऑलमोस्ट देख ही लिया, तो थैंक यू यार, लव यू। ऑलमोस्ट डन विद द वीडियो, ऑलमोस्ट थोड़े से फिनिशिंग टचेस देना बाकी है क्योंकि अरे हाँ सीधा थोड़े से फिनिशिंग टचेस देना बाकी है। एंड इतना प्यारा वाइब्स आ रहा था ना वीडियो एडिट करते वक्त, मतलब पिछली सुबह मुझे पूरा फील हो रहा था अंदर से। और वीडियो देखना भाई, अगर नहीं देख रखा है तो इस वीडियो को पॉज कर दो अभी, पहले वो वीडियो जाके देखो, उसके बाद इधर लौट के आना, तब समझो कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी काफी ज्यादा बारिश हो चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली ग्राउंड्स भी भीगे रहेंगे तो जाके कोई फायदा है नहीं, बट स्टिल वी विल गिव इट अ ट्राई। नीचे जाते और देखते कि अगर ग्राउंड थोड़ा सा भी सूखा रहता है तो खेल लेंगे, वरना एक छोटा सा टहल महल वॉक करके आ जाएंगे, क्या है? चलो फिर चलते। भाई ग्राउंड पूरा भीगा है एज एक्सपेक्टेड, लेकिन फुटबॉल थोड़ा थोड़ा चल रहा है क्योंकि भाई अब खेलना है तो खेलना है जिसको, लेकिन हम लोग का क्रिकेट उधर खेलते हैं तो क्रिकेट उधर कोई नहीं खेल रहा, सो मे वी विल कम बैक अगेन कल परसों क्योंकि ग्राउंड भी भीगा रहने वाला है। तो चलते हैं अभी इधर कहीं पास में ही थोड़ा टहलने। भाई बड़ी सरप्राइजिंग चीज हो गई, चलते चलते मोहल्ले में 2-4 बच्चे मिल गए जो रास्ते में क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने बोला 2 बार बैटिंग करने दे दो, मेरा एक्सपेक्टेशन था बोलेगा नहीं 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 भैया नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन में अपन लोग भी वैसे ही करते थे, लेकिन सरप्राइजिंगली दे दिया उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन और 2-4 बॉल खेल लिया मैंने, अब उनसे करवा दिया बॉलिंग, तो बढ़िया है भाई, ठीक है अभी चलते आगे। ये देख रहे हो अगर आप चश्मा पहनते हो ना देन यू विल अंडरस्टैंड दिस फीलिंग यार, मतलब अंदर से निकल के पूरा भाई, ओनली चश्मे वाले पीपल विल अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। भाई दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम मैं बाहर खुले रास्ते में ऐसे रैंडमली बातें कर रहा हूँ, तो एक बच्चा मिल गया मुझे कैमरे से, मैं बातें कर रहा था, बोलता है ब्लॉगर, मैं बोला भाई मैं क्या बोलूँ इसको, तो पकड़ के पूछा इसको ब्लॉगिंग क्या होता है, तो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं बोला नहीं भाई चल मार कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ वीडियोस बनाता हूँ मैं ऐसे ही मजे के लिए, अच्छा लगता है बनाना, तो वहीं अभी 2-4 लोग सामने भी देख रहे क्या कर रही है लड़का, बढ़िया लग रहा है भाई।
A few hours later, after returning home. अपलोड हो रहा है, एनकोडिंग होगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. मैंने बोला I will upload at 9:30, अभी 9:20 बज चुका है, बट जैसे एक्सपोर्ट हो रहा है मुझे लगता नहीं 9:30 तक होगा, बट नेवर माइंड, वीडियो तो आज ही जानी है. बट जब तक ये वीडियो एनकोड होती है तब तक लेट्स डू द वर्कआउट. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you always stress. So I work harder than the rest, that always said to do my best. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else. चलो जी, वर्कआउट डन, खाना डन, नहाना डन, एंड कुछ और भी थोड़ा सा चेंजेस डन, बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ. एंड विद दिस ख्याल हम लोग आज की वीडियो करते हैं समाप्त. मिलते हैं कल वापस सुबह 11 बजे, एक और नई वीडियो, एक और नया दिन, एक और नए जज्बे के साथ. कल 11 बजे इधर आ जाना, ठीक है? चलो बाय बाय, हंसते रहो, सायोनारा.